नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। सूखे हैंड पंप, पानी के टैंकर से प्यास बुझाने की होड़, खाली बर्तनों की लंबी लंबी कतार, बूंद बूंद पानी के लिए भटकता परिवार। ये तस्वीर उस उत्तर प्रदेश की है जिसे सूबे के सियासी रहनुमा उत्तम प्रदेश बनाने के दावे किया करते हैं। ये 70 साल के आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है जहां जिंदगी की बुनियादी जरूरतों को हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद करना होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी बानगी देखिए। सूरज आग उगल रहा है और सूबे में पूरब से लेकर पश्चिम तक हर शहर के बाशिंदे प्यास से बेहाल हैं। हर साल गर्मी में पीने के पानी को लेकर इसी तरह हाहाकार मचता है। हर साल पानी की समस्या दूर करने के लिए वादे किए जाते हैं, उन वादों पर यकीन भी किया जाता है, लेकिन अफसोस तस्वीर नहीं बदलती। हालत ये है कि हर शहर में सुबह शाम पानी के लिए खाली बर्तनों के साथ महिलाओं और बच्चों की कतार लगी रहती है, जिन्हें घंटों के इंतजार के बाद पानी नसीब होता है, वो भी जरूरत पूरी करने से भी कम। जबकि शहर के बाशिंदों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनाई गई हैं, घरों तक पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन कहीं नल से पानी की बूंद तक नहीं टपक रही तो कहीं नल से गंदा पानी आ रहा है, और कुछ हैंडपंप से पानी निकल भी रहा है तो वो भी पीने लायक नहीं है। लेकिन अधिकारियों के कागजों पर सब कुछ दुरुस्त है। भले ही शहर के बाशिंदे भीषण गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सियासतदानों और अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह और बात है कि जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए तो फिर यहाँ पानी का इंतजाम खुद कीजिए। शहरों को हाईटेक बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन शहर के बाशिंदों को पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है। जरा सोचिए, ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश। कहते हैं दिल्ली की सल्तनत का रास्ता इसी प्रदेश से होकर गुजरता है। यहीं गंगा, जमुना और गोमती जैसी पावन नदियां बहती हैं। फिर इन नदियों के किनारे बसे शहर शहर आखिर प्यास से बेहाल क्यों है? आज हम इन्हीं शहरों के प्यास की वजह की तलाश करेंगे। लखनऊ, कानपुर से लेकर वाराणसी तक शहर शहर बाशिंदे क्यों प्यास से बेहाल हैं और क्यों शहरों का ये हाल है, हम पूरी तफसील बताएंगे। हर शहर का हाल दिखाएंगे। ये मेरठ का रजपुरा इलाका है। यहाँ हैंडपंप से साफ नहीं बल्कि पीला पानी निकलता है। ये पानी धीमा जहर है, लेकिन भीषण गर्मी से बेहाल लोग इसी पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। दरअसल काली नदी के किनारे बसे इस सैनी गांव की ही तरह सैकड़ों गांव के बाशिंदों को साफ पीने का पानी मयस्सर नहीं है, क्योंकि गंगा की सहायक नदी के रूप में जाने जाने वाली 300 किलोमीटर लंबी काली नदी नाले में तब्दील हो गई है। ये नदी अब पेपर मिल और रासायनिक उद्योगों के साथ ही शहरों का कचरा ढोने का साधन मात्र बनकर रह गई है। जरा देखिए किस तरह से इस नदी में पेपर मिल और नगलामल शुगर मिल से निकल रहा केमिकल युक्त पानी बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास के इलाके की जमीन का पानी जहरीला हो गया। नतीजन इस जहरीले पानी को पीकर यहां के बाशिंदे कई घातक बीमारियों की चपेट में आकर काल के मुंह में समाते जा रहे हैं। पीना सबसे पहले तो जरूरी पीने का पानी है या नहीं है, जब पीने के पानी के बजाय मिलेगा तो मैं जहर पीने के लिए। यहां पीने के पानी की समस्या भयावह रूप ले चुकी है। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार। Audio Jungle.